हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। आइए देखते हैं पाइथन में नया क्या है। देखिए, अगर आप कोई लिस्ट बनाते हैं, देखिएगा जरा, यहां पर अगर मैं नेम के नाम से कोई लिस्ट बना रहा हूं और नेम के अंदर कुछ वैल्यूज स्टोर करा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने युवराज, डबल इंटेड कॉमा के अंदर कॉमा लगाया, फिर यहाँ लिखता हूँ मोनू, ठीक है, और ये भी डबल इंटेड कॉमा के ही अंदर रहेगा, ठीक है। अगर आप डबल इंटेड कॉमा यूज करते हैं तो आपको डबल इंटेड कॉमा ही लगाना है, अगर सिंगल इंटेड कॉमा यूज करते हैं तो आप सिंगल इंटेड कॉमा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया के, तो ये तीन नाम हमने इसमें इंसर्ट करा दिया। अब सीधी सी बात है, प्रिंट का पी स्मॉल होता है और अगर हम यहाँ नेम को प्रिंट करा देते हैं तो ये पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाती है। यहाँ पर F5 करता हूँ इसको सेव करने के लिए और मैं इसे list.py, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये पूरी लिस्ट प्रिंट होती हुई नजर आएगी, लेकिन क्या हम इसमें कोई चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं? चेंजेस कैसे परफॉर्म करेंगे, अगर परफॉर्म करना भी है तो, ये सवाल है, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें चेंजेस करने हैं। इसमें कुछ वैल्यूज और भी अपेंड करानी है। तो लिस्ट के दो फंक्शन है, कौन कौन से? एक है आपका जिसे कहते हैं हम अपेंड, ठीक है, अपेंड बोलते हैं। तो ये पहला अपेंड वैल्यूज को इंसर्ट कराने के लिए, और दूसरा क्या है, पॉप है, तो पॉप रिमूव कराने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों का यूज करके देखेंगे, ठीक है। लिस्ट में यहां पर क्या करता हूं, एंटर करके नीचे आ जाता हूं और यहां पे लिखूंगा नेम NAME, क्योंकि नेम नाम से ही ये लिस्ट बनाई गई है, और यहां लिखूंगा डॉट अपेंड, इस तरीके से डॉट अपेंड लिखूंगा और फिर यहां पर एक वैल्यू इंसर्ट कर देता हूं, इसे एक नेम इंसर्ट कर देता हूं। जैसे यहां पे क्या लिखता हूं, विराट, एक नेम लिख दिया विराट। अभी इसको बंद कर देना है और बंद करके फिर अगर नेम को प्रिंट करवाता हूं तो ऐसे में विराट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा और ये विराट कहां जाएगा, लास्ट में आएगा, ठीक है। देखिए यहां पर अगर मैं F5 करके इसको सेव करता हूं तो देखिए विराट भी इसमें इंक्लूड हो चुका है और विराट कहां आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब अगर कोई वैल्यू और भी आप इंसर्ट करते हैं इसके बाद, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये तो हो गया विराट, यहां पर इसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कई बार, तो ये हो गया। अच्छा, क्या डुप्लीकेट एक्सेप्ट करेगा इसमें, ये भी एक सवाल रहता है। तो यहाँ देखिए विराट दो बार लिखा और दोनों बार विराट आएगा, पहले तो एक बार तो विराट आ ही चुका है, दूसरी बार भी विराट आएगा। तो इसको अगर सेव करता हूँ, चलाता हूँ F5 करके, देखेंगे कि विराट विराट दो बार आया है। तो लिस्ट में डुप्लीकेट अलाउड होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब एक बार बात कर लेते हैं अपेंड, अपेंड की तो हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं पॉप की, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब यहाँ से पॉप कराएंगे, कैसे कराएंगे, यहाँ लिखेंगे नेम डॉट POP और आपको यहां पर कोई भी पैरामीटर नहीं पास करना है, सिर्फ ऐसे करके इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, और फिर F5 करिए। तो देखिए जो लास्ट में आया था वो पहले जाएगा, ठीक है। कैसे, F5 अगर मैं कर देता हूं तो सबसे पहले तो ये वाला विराट हट जाएगा, तो देखिए विराट एक गायब हो गया और सिर्फ एक ही विराट रह गया। अगर मैं दोबारा इसी को चलाता हूं, फिर देखिए अगर मैं इसको उठाता हूं यहां से और इसको कॉपी करके देन यहां पे नीचे पेस्ट कर देता हूं, तो आप देखेंगे विराट नेम ही गायब हो जाएगा यहाँ से। एक बार तो दिख रहा था एटलीस्ट, लेकिन अब वो भी नहीं दिख रहा है। और एक बार और अगर मैं कर देता हूं तो ये लास्ट वाली वैल्यू हटती जाएगी, फिर देखिए यहां पर अब लास्ट वाली वैल्यू पूरी तरह से हट जाएगी। ये देखिए यहां पर अब KK भी गायब हो गया, अब सिर्फ क्या बचा, युवराज और मोनू। तो यही होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना।